हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी पोस्टपोन्ड हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न लगभग लगभग सबको पता है, लेकिन कब होगा और क्यों इस डेट पे होगा उसको जानेंगे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग अपने तैयारी में और पेश ला सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी जो अपडेट है, रीजन कह सकते हैं उसको आप, 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जाने, लगभग 6.25 लाख कह सकते हैं। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा कारण हुआ, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर देखी जाए तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही होगी, जिसके कारण यह एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का निर्णय बीपीएससी ने लिया है। कब होगा तो इतना तय है कि 15 मार्च के बाद होगा। क्यों होगा मैं आपको फुल ऑथेंटिक रीजन के साथ बता रहा हूँ। तो जो सबसे पहला रीजन है, बीएसईबी एग्जामिनेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 10th और 12th लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड्स के, उसके एग्ज़ाम होने बाकी हैं, जो कि 10th की जो एग्ज़ाम है वो 17 से 24 फरवरी के बीच में होगा, और 12th एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होगा 1 से 14 फरवरी। तो ये जो दो हैक्टिक शेड्यूल है, जिसके कारण जो स्कूल्स की कमी बीपीएससी को देखने को मिल सकती है और होनी है, इसके 1 से लेकर 24 तक तो एग्ज़ाम कराना मुश्किल ही है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मुमकिन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है CDPO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जो कि पहले से ऑफिशियली अनाउंस है 6 फरवरी को। तो ये तीसरा सबसे बड़ा। जो फोर्थ सबसे डेंजरस है वो है आपका ओमिक्रॉन, जो थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस। तो ये फोर्थ है जो कि एक एक्सक्लूसिव फैक्टर हो सकता है, जो एक सबसे बड़ा रीज़न है, जो क्वेश्चन मार्क लगा सकता है 15 मार्च या अप्रैल में भी जाने के। लेकिन इतना जान लीजिए कि 24 फरवरी के बाद आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होने की कम संभावना है, तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए 15 मार्च मतलब सेकेंड वीक ऑफ मार्च या थर्ड वीक ऑफ मार्च में होने की पूर्ण संभावना है, अप्रैल की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, मुझे जो ऑथेंटिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम मार्च में ही होगा, या तो सेकेंड वीक ऑफ मार्च या थर्ड वीक ऑफ मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं किसी कारणवश आपको शेड्यूल वाइज जो करंट का सेशन है वो नहीं दे सका, कोशिश करता हूँ कि आज मैं दे दूँ, क्योंकि बहुत एक हैक्टिक शेड्यूल था। और GS का भी कल से आपको दोनों मिलेगा ऑन टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन एंड आप लोग अपनी तैयारी को पेश करें, पेश लाएँ और 110+ मार्क्स लाने की तैयारी कोशिश करें। थैंक यू एंड वंस अगेन फॉर लिसनिंग।